दुर्गमेशी किला मंदिर तमेर पारा द्वारा विगत 105 वर्षों से विशेष रथ तैयार कर भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को विराजित कर शहर भ्रमण कराया जाता है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने इस बार भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री किला मंदिर लोक न्यास समिति द्वारा प्राचीन परंपरा निभाते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने को लेकर अपनी अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें, 7 जुलाई को आयोजित इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को विराजित कर शहर भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान पूरे रास्ते में भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर को लेकर मंदिर लोक न्यास समिति के सचिव शंकरलाल ताम्रकर ने बताया कि उत्सव है तो आनंद है, जो हमारी संस्कृति है उसे मनाने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग के तमेर पारा में मनाया जाता है, जिसे यहाँ रथ द्वितीया भी कहा जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में रथ यात्रा पूरे विश्व में उत्साह उमंग से निकाली जाती है और 15 दिन के विश्राम करने के पश्चात भक्तजनों से कुशलक्षेम पूछने भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं। इस अवसर पर रथ पर विराजमान भगवान को शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करा वापस तमेर पारा किला मंदिर में विश्राम कराते हैं। इस संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पिछले करीब 100 साल से ऊपर हो गया है, लगभग ज़्यादा उस समय से चला आ रहा है रथ यात्रा पारिवारिक। हमारे यहाँ रथ यात्रा में एक विशेषता ये है कि रथ को माने खींचा जाता है, उसमें धक्का दिया जाता है चक्का से, एक विशेषता ये रहती है। और लोग जुलूस के रूप शक्ल में बाजा गाजा इसके साथ पूरा रथ के निकलते हैं। यहाँ से वहाँ जाएंगे जवाहर चौक, जवाहर चौक से गांधी चौक होते हुए ढीबार पारा होते हुए वहाँ तुम्हारा चंडी मंदिर, वहाँ बड़ा मठ में वहाँ विश्राम थोड़ी देर, फिर वहाँ बड़ा मठ से वापस। वहाँ बहुत बहुत उत्साह रहता है, इसमें बहुत लोग उत्साहित रहते हैं, लोगों को बहुत भीड़ रहती है। पहले तो एक समय था जब गांव-गांव से लोग आते थे, बहुत पूरा यानी कि चलने की जगह नहीं रहती थी, इस समय स्थिति ऐसी रहती थी। अब कई जगह रथ निकलने लग गए छोटे छोटे, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया है, बाकी पहले ऐसी स्थिति थी। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की तैयारी अभी पिछले सप्ताह भर से चल रही है। आज रथ को निकाल के चक्का वगैरह सब लगाया गया है साथ में। कल सुबह से जगन्नाथ जी का स्नान करके उनका श्रृंगार करके तैयार किया जाएगा। उसके बाद दोपहर में 2 बजे विधि विधान से पूजन कर रथ में सवार करके उनको नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार 100 वर्ष से अधिक हो चुका है। पेपर कटिंग में कुछ समय पहले मैं 175 साल पढ़ा हुआ था। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।